भारी वर्षा के बाद हुई बाढ़ की वजह से सभी जानवर और पक्षियां पानी में बह चुके थे। उनमें तूनी चिड़िया और गर्भवती बंदरिया की किस्मत अच्छी थी कि वे दोनों बाढ़ से बचकर बाहर निकल पाई। वे दोनों किसी तरह खुद को बचते बचाते पहाड़ी इलाके में पहुंचे। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे और हर तरफ बरसात ही बरसात थी। वे दोनों बिल्कुल निस्सहाय हो गए थे। बंदरिया रोने लगी थी। पिछले दो दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा मुझसे खाना मांग रहा है। ऐसे लग रहा है मानो वो मुझसे कह रहा हो कि मैं उसे खाना दूं, पर मैं उसे अनसुना कर रही हूँ। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही। तूनी मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। यूं विनती करती हुई बंदरिया ने तूनी से कहा, दोस्त भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा ऐसे में भूखा रहना सही नहीं। मेरी भी तो समझ में नहीं आ रहा दोस्त कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तुम तो देख ही रही हो ना मौसम कैसा है। यूं हताश होकर जब तूनी बोली तो बंदरिया ने कहा, दोस्त ऐसे हालातों में मेरा ऐसा पूछना सही नहीं है, मुझे माफ कर दो। यूं बंदरिया ने अपनी सहेली से माफी मांगी। हे भगवान, आपने हमें जिंदा रखा ही क्यों? इस तरह भूख के मारे मर जाने के लिए भगवान हमें कोई रास्ता बता दो। यूं रो रो कर तूनी ने भगवान से प्रार्थना की। इतने में कमजोरी के कारण बंदरिया बेहोश हो गई। तूनी की समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। दोस्त दोस्त, वो चिल्ला कर उसे उठाना चाहती थी। फिर तूनी ने एक दृढ़ निश्चय किया, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है और मैं उसे करके ही रहूंगी। या तो आर या पार हो जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो सोच लूंगी कि अपनी दोस्त के लिए मैंने जान दे दी, और अगर सब कुछ वैसे हुआ जैसे मैं चाहती हूँ तो अपनी गर्भवती सहेली और उसके होने वाले बच्चे की जान बचा पाऊंगी। यूं दृढ़ निश्चय कर तूनी वहाँ से बरसात में ही उड़कर बाहर निकली। बरसात में उड़ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो किसी तरह बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ के तने पर बैठ गई और चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगी कि कहीं उसे खाने की कोई चीज मिल जाए। कुछ आधे घंटे के बाद तूनी एक ऐसे पेड़ पर पहुंची जहां पर बड़े बड़े फल लगे हुए थे। तूनी ने किसी तरह अपनी चोंच में बहुत सारे फल इकट्ठे कर पकड़ लिए। बड़ी सावधानी से सारे फलों को अपनी सहेली बंदरिया के पास ले गई। बंदरिया को आवाज देकर उठाने की कोशिश की, दोस्त उठो दोस्त, देखो तो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। यूं आवाज देकर उसे जगाया और फल उसे खाने के लिए दिए। दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बंदरिया ने आभार माना। फिर बचे हुए फलों में से कुछ तूनी ने खाए। उस दिन दोनों ने फल खाकर ही अपना पूरा दिन बिताया। दोस्त समझ में नहीं आता भगवान हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं। यूं दोनों अपनी किस्मत को कोसती हुई बात कर रही थी कि अचानक कहीं से बहुत सारे गेहूं के धान उड़कर उनके पास आ गए। वो सारा परिसर गेहूं से भर चुका था। इतने सारे गेहूं के धान को वहाँ पर देखकर उन दोनों ने समझ लिया कि भगवान ने ही उनकी मदद की होगी। थैलों में गेहूं को भरा और एक एक कर पहाड़ में रहे एक गुफा के अंदर ले गए। दोस्त भगवान की महिमाएं और लीलाएं हमारी समझ में नहीं आती। अब आने वाले कुछ दिनों तक हमें आहार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बंदर गेहूं को पत्थर से मार मार कर उसका आटा बना रही थी। फिर वे दोनों ये सोचने लगी कि इस आटे की वो रोटियां किस तरह बना पाएंगी। तूनी ने कुछ सोच कर कहा, दोस्त पहाड़ी इलाकों पर कांटों से भरे कई तने हैं। हम उन्हें तोड़कर यहाँ पर लेकर आते हैं। कुछ दिनों बाद सूखकर वे सख्त बन जाएंगी, फिर हम उनसे रोटियां बना पाएंगे। यूं दोनों ने सोचा और फिर वे दोनों पहाड़ी इलाके से बहुत सारी लकड़ियां तोड़कर गुफा में ले आए। फिर अगले सवेरे उन दोनों ने मिलकर तीन पत्थरों को इकट्ठा किया जिसका वो चूल्हा बनाने वाले थे। दो पत्थरों को आपस में घिसकर उन्होंने आग जलाई। लकड़ियों में आग देकर उन्होंने अपने लिए रोटियां बनानी शुरू की। रोटियों को अच्छे से भूनकर उन दोनों ने पेट भर रोटियां खाई। इस तरह वे दोनों सहेलियां जब तक उनके पास गेहूं थे बिना किसी चिंता के अपना पेट भर रही थी। बरसात थम गई। वे दोनों गुफा से बाहर निकली पर जंगल में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। उन दोनों ने मिलकर धीरे धीरे अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लिया। उन दोनों ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया था। कुछ महीनों बाद बंदरिया ने एक बंदर को जन्म दिया।
बंदरिया अपने नन्हे से बंदर को अच्छी बातें बताया करती थी। वो उससे हमेशा कहती कि जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिंदगी में भले जितने भी मुश्किल मोड़ क्यों ना आ जाए, अगर हमने हार नहीं मानी और भगवान पर भरोसा रखा तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, ताकि हम हिम्मत से काम लेते हुए अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर पाए। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनी एक अनाथ पक्षी थी, उसका वहाँ कोई दोस्त भी नहीं था। टुनी चिड़िया हमेशा से ही अपना एक परिवार चाहती थी, इसलिए टुनी ने कुछ अंडे पाल लिए। मैं कब से अपना एक परिवार चाहती थी, मुझ जैसे अनाथ पक्षी का कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मैंने इन अंडों को पाला है। अब यही अंडे मेरा सुंदर सा परिवार बनाएंगे। इस तरह टुनी चिड़िया जिन अंडों को लेकर आई थी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। उसने तय किया था कि चाहे जो भी हो जाए वो उन अंडों का बहुत ध्यान रखेगी। उसी जंगल में मही नाम की एक दुष्ट चील भी रहा करती थी। वो उस जंगल में पक्षी के दिए हुए अंडों को चुराती और उन्हें खा जाया करती थी। ना जाने क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों से इस जंगल में अंडे मिलते ही नहीं है। अगर मैंने आज अंडे नहीं खाए तो लगता है मैं भूख से मर ही जाऊंगी, क्या करूं? मही चील ने देखा कि टुनी चिड़िया अपने अंडों का बहुत ध्यान रख रही है। आखिरकार आज बड़े दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल ही गया। टुनी चिड़िया को बातों में उलझाकर इसके अंडे चट कर जाऊंगी। मेरे अंडे कितने प्यारे हैं, मुझे इन अंडों का इसी तरह बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। टुनी कैसी हो, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। हाँ मही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ कैसे आना हुआ। दरअसल कल मैंने अपने घर पर दावत रखी है, जंगल के बाकी सभी पक्षी को भी न्योता देने निकली हूँ। ओह अच्छा, कल भी तुम जरूर आना, सभी के साथ मिलजुल कर हम बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है मही, मैं जरूर आऊंगी। यूँ दावत का बहाना कर मही चील ने टुनी को न्योता दिया और वहाँ से चली गई। मेरी चालाकी से मैंने बड़ा उल्लू बनाया टुनी चिड़िया को। वहाँ टुनी चिड़िया मेरे घर जाने के लिए निकलेगी और मैं यहाँ आकर उसके अंडे खा जाऊंगी। वो रात बीत गई। लगता है मैंने बहुत देर कर दी, वहाँ पर दावत शुरू हो चुकी होगी। ये सोचकर जल्दी जल्दी में टुनी चिड़िया मही चील के घर जाने के लिए निकली। वहाँ टुनी चिड़िया मही चील के घर गई कि तभी मही चील टुनी चिड़िया के अंडों के पास पहुँची। मेरी बातों को सच मानकर टुनी चिड़िया जरूर मेरे घर गई होगी। जब तक टुनी चिड़िया मेरे घर से वापस नहीं आती मैं इन अंडों को खा जाऊंगी। ये सब आसमान से देव कन्या देख रही थी। अरे ये क्या हो रहा है, टुनी ने इतनी मेहनत से उन अंडों को अब तक संभाला और ये दुष्ट मही चील उसे खाने जा रही है। देव कन्या ने तुरंत सभी अंडों को गायब कर किसी और पेड़ पर पहुंचा दिया। अभी अभी तो सारे अंडे इस घोंसले में थे, अचानक गायब कैसे हो गए? लगता है ये कोई जादुई अंडे थे। अगर मैं यहाँ से खिसकी नहीं तो जरूर मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मही चील घबरा कर वहाँ से फुर हो गई। देव कन्या ने उन अंडों को किसी दूसरे पेड़ के घोंसले में छुपा कर रखे थे। उस पेड़ की एक टहनी पर सांप था। अगर आज मुझे आहार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यूँ आहार के लिए तरस रहे उस सांप की नजर देव कन्या के छुपाए हुए अंडों पर पड़ी। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने जैसे ही मांग की मेरे सामने अंडे दिख गए। यूँ सांप मन ही मन सोच रहा था। देव कन्या को ये पता चला और तुरंत उन्होंने उन अंडों को वहाँ से गायब कर दिया। मैंने दूर से देखा तो मुझे अंडे दिखाई दे रहे थे और पास आकर देखने पर यहाँ कुछ नहीं है। लगता है कई दिनों से भूखी हूँ, इसलिए मुझे हर तरफ आहार दिख रहा है। निराश होकर सांप वहाँ से लौट गया। अब यहाँ इन अंडों का रहना सुरक्षित नहीं होगा, मैं इन्हें अपने साथ देवलोक में ले जाऊंगी। अंडों की सुरक्षा की सोच देव कन्या उन्हें अपने साथ ले गई। सभी मेरा ही अपमान कर रहे हैं, जिस मही चील ने दावत के लिए मुझे न्योता दिया वो खुद ही वहाँ पर नहीं थी। मुझे घर बुलाकर मेरा अपमान किया है उसने, आज के बाद मैं मही चील के पास कभी नहीं जाऊंगी। टुनी चिड़िया उदास होकर घर लौटी। जब उसने घोंसले में अंडे नहीं देखे वो रोने लगी।
ये क्या, मेरे अंडे दिखाई नहीं देते, कहाँ है मेरे अंडे? घोंसलों में अंडों को गायब देखकर टोनी चिड़िया बहुत डर गई। वो जंगल भर में उड़ उड़कर अपने अंडों को ढूंढती रही। मैंने सारा जंगल छान मार लिया, पर मेरे अंडों का कहीं पता नहीं चला। अब मैं जीकर क्या करूंगी? टोनी से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और पेड़ से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। मरी हुई टोनी चिड़िया देवलोक पहुंच गई। अरे ये जगह कितनी सुंदर है, कहीं ये देवलोक तो नहीं? हो सकता है मरने के बाद मैं देवलोक पहुंची हूँ। आओ टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ, ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा अपना कोई नहीं, तुम्हारे अंडे भी मेरे पास ही हैं। अरे हाँ, पर मेरे अंडे यहाँ कैसे आए? दरअसल तुम्हारे अंडों को मही चील और कोई सांप खाने वाले थे, मैं उन्हें बचाकर यहाँ ले आई। आप मेरे अंडों को बचाकर यहाँ ले आई? इस बात से अनजान मैंने तो आत्महत्या कर ली। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे प्राण तुम्हें वापस दूंगी। तुम अपने अंडे साथ में लेकर भूलोक वापस जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवकन्या ने टोनी चिड़िया की जान उसे वापस लौटा दी। साथ में देवकन्या ने टोनी के अंडे भी उसे दे दिए, जिसे लेकर टोनी चिड़िया भूलोक में वापस लौटी। इस तरह देवकन्या की कृपा से टोनी चिड़िया को उसका परिवार वापस मिला।